महिला आयोग की पहल पर 100 छात्रों ने सीखे आत्मरक्षा के गुर। पिंक बेल क्लब कार्यक्रम के तहत जयपुर के बाद जोधपुर में भी छात्राओं को दिलाया गया सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा के निर्देशन में गत 24 जुलाई से शुरू किया गया सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम कमला नेहरू महिला महाविद्यालय के निर्देशक डॉक्टर पूनम बावा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस 5 दिवसीय सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 100 से अधिक छात्राओं ने छेड़छाड़, चेन स्नैचिंग और लूट आदि की घटनाओं से निपटने के लिए खुद को मजबूत और तैयार किया। महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा के सामने जब महिला उत्पीड़न के कई मामले आए तो उनमें छेड़छाड़ के मामले अधिक शामिल थे। तब सुमन शर्मा ने छेड़छाड़ की घटनाओं को गंभीरता से लिया और राजधानी जयपुर में पिंक बेल क्लब कार्यक्रम तैयार कर स्कूल और कॉलेज की छात्राओं को जोड़ा। इसी कड़ी में जयपुर के बाद जोधपुर में पिंक बेल क्लब कार्यक्रम आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा के निर्देश पर कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में 24 जुलाई को शुरू किया गया, जिसका शनिवार को समापन हुआ। इस दौरान राजस्थान स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर सोसाइटी के प्रशिक्षक राधा विश्नोई ने जोधपुर वन सदस्यों की मौजूदगी में 100 से अधिक छात्राओं को छेड़छाड़ की घटनाओं से निपटने के गुर सिखाने के साथ चेन स्नैचिंग और लूट की वारदातों से बचने की टिप्स दिए। इस अवसर पर महिला आयोग जोधपुर मंच की सदस्य सुमन पोरवाल और विमला गट्टानी भी मौजूद रही। कार्यक्रम में राजस्थान स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर सोसाइटी की सचिव अजीत सिंह का भी आभार जताया। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।